हेलो दोस्तों दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बेल ड्राइव के आरपीएम को हम कैसे निकाल सकते हैं, किस तरीके से। छोटी पुल्ली के अकॉर्डिंग बड़ी पुल्ली का आरपीएम कितना होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, सबसे पहले ये सूत्र यहाँ पे लिखा है D1/D2 और बराबर N2/N1। तो ये तो हुआ इसका सूत्र इतना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे D1 बराबर यहाँ पे 50 50 छोटी पुल्ली का डाया, और यहाँ पे नीचे D2 बराबर 70 ये बड़ी पुल्ली का डाया, और N1 बराबर हमको जो है यहाँ पे निकालना है। और इसके बाद जो ये नीचे N2 है, ये हमारा बड़ी पुल्ली का जो है आरपीएम है, और हमको निकालना है छोटी पुल्ली का आरपीएम। तो हम यहाँ पे जो है अब ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऊपर में जो है D1 हमारा ऊपर ये 50 है, बटे D2 हमारा ये 70 नीचे, और गुणा हमारा जो है 600 उधर बड़ी पुल्ली का आरपीएम है, N1 हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे नीचे हमने इसको जो है, तो यहाँ पे जो है ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद N1 बराबर 70 × 600/85 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है जीरो से जीरो को काट देंगे, तो यहाँ से एक जीरो को हम यहाँ से काट देंगे। अब यहाँ पे ऊपर बचा 70 और गुणा 60, तो इसकी हम दोनों की गुणा कर देंगे आपस में, तो यहाँ पे 4200 आ जाएगा, और बटे 5। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको 5 से जो है 4200 को काट देंगे, तो यहाँ पे 5 × 8 = 40 और 5 × 20, यानी कि 5 × 8 = 40 से तो ये जो है कट गया हमारा, और 5 × 20 तो ये पूरा पूरा जो है हमारा 420 कट गया, और बचा यहाँ पे जीरो, तो हम जीरो जुगे जुगे लगा देंगे, ये पूरा का पूरा हमारा कट गया। तो ये जो 840 आया है ये हमारी जो है छोटी पुल्ली का आरपीएम है, और सेम इसी सूत्र से हम बड़ी पुल्ली का आरपीएम निकाल सकते हैं। वहाँ पर बस N1 की जगह N2 हो जाएगा।